अगर मेरी मम्मी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊंगी, वैद्य के पास जाऊंगी कि डॉक्टर के पास जाऊंगी? ऑब्वियसली डॉक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी, और वो प्रेफरेंस देने में मांगता भी है, उसने भी कोर्स किया है, तो पेटिशन साइन मत करो उनके अगेंस्ट, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम हार जाएंगे। हमें उनसे ऊपर नहीं उठना, हमें अपने आप को एक लेवल पे लेके आना है, क्योंकि हम पहले नीचे थे, अब हमें लेवल पे आना है। तो किसी को कम मत आंको, एलोपैथी की जंग नहीं है ये, जंग कोरोना और बहुत सारी ऐसी डिसीज की है जो आई भी नहीं है। लाइक मेडिटेशन करते टाइम ऐसे फील होता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो अच्छा नहीं हुआ है, और जो बहुत कुछ बुरा भी होने वाला है। हमें है ना दूसरों का पेन फील होने लग जाता है कि ये बंदा दुखी है, और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और जब ऐसा फील होता है ना, तो ऐसे दया आती है कि यार क्या, क्यों बने डॉक्टर, क्यों ही है इंसान जब किसी के काम नहीं आ रहे। तो किसी को कम मत आंको, सब इक्वल है, कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, सब इक्वल है। इस पे एक बहुत अच्छी बात थी मेरे दिमाग में, मैं इस पे वीडियो बनाने वाला भी था, अगर अभी ये मुद्दा उठ ही गया तो मैं बता देता हूँ। भगवान शिव है जिनको सभी जानते हैं, मुझे भगवान की कृपा से नाम भी उन्हीं का मिल गया आशुतोष। तो उनके साथ हम कुछ चीजों को सीखते हैं, जैसे कि हम उनको देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी जटा में माँ गंगा रहती है, और उनकी ही मस्तिष्क में जब हम देखते हैं तो त्रिनेत्र यानी कि अग्नि रहती है, यानी कि दो विपरीत चीजें एक साथ रहती है। उसी के साथ अगर थोड़ा सा चलते हैं आगे तो उनकी जटा में ही चंद्रमा वासते हैं, यानी कि चंद्रमा का मतलब होता है अमृत वासते हैं, और उनके कंठ में विष होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उनके गले में अलंकारित रहते हैं वो सर्प से, और उनके एक पुत्र है जिनका नाम है गणेश, उनका वाहन है मूषक, तो सर्प और मूषक एक साथ में, और उन्हीं के एक और पुत्र है कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन है क्या मयूर, और मयूर और सर्प साथ में। तो आप ये देखिए दोनों अपोजिट चीज है, पर भगवान हमें क्या चीज सिखा गए कि आप अपोजिट होते हुए भी, यानी कि एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों अपोजिट होते हुए भी साथ चल सकती है। जब एक भगवान एक साथ लेके चल सकते हैं सारी चीजों को, तो हम क्यों लेके नहीं चल सकते यार? उनकी भी रिस्पेक्ट करो, अपनी भी रिस्पेक्ट रखो, उनसे ऐसा भी फील मत करो कि हमें डाउन कर रहे हैं और वो हमें डाउन, दोनों की जरूरत है। इमरजेंसी केयर में हमेशा हमें एलोपैथ की जरूरत पड़ती है और जरूरत होती है, ठीक है। हमारे बीच में बहुत सारे वैद्य ऐसे हैं जो कि एलोपैथ की जरूरत नहीं लेते, और वो मॉडर्न पे मतलब नहीं करते एक्सपेक्ट कुछ भी, और आयुर्वेद से कर देते हैं, ठीक है। प्रज्ञान त्रिपाठी सर ऐसे हैं जो कि मंत्र चिकित्साओं से ही, उन्हें कोई भी मतलब मॉडर्न मेडिसिन की जरूरत नहीं रहती, मंत्र चिकित्साओं से उस चीज को हल कर देते हैं। पर हर कोई उतना विद्वान नहीं होता, हर कोई उतना गेटिंग पावर नहीं होता, तो इसलिए रिस्पेक्ट टू द ईच पैथ, आपको हर एक पैथी का करना चाहिए सम्मान। और भगवान शिव ने बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे माइंड में उसका सेट किया है।